बाकी 65 की स्पीड में मैंने अभी भगा दी है इसको। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए ऑल न्यू हीरो की स्कूटर जूम। जैसा कि आपने देखा होगा मेरा व्लॉग, उसमें मैंने बताया इसके बारे में, दिखाया भी है आपको। आज हम इसकी डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। कुछ चीजें दी गई हैं इसमें जो कि इसको अपने ही में अलग बनाती है। सबसे पहले बात करूंगा, इसमें i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। बाकी अभी चलाएंगे ना तो और भी चीज़ें बताएंगे। बाकी यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है, बढ़िया, ठीक है। जब चाबी ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि पूरी ब्लूटूथ से अटैच है, एंड ब्लूटूथ भी इसमें मिलता है। आपके मोबाइल ऐप में भी बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, i3s टेक्नोलॉजी है जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। एंड अगर मैं इसकी डिक्की खोलता हूँ, एक्टिवा की बात करूँ ना, उन लोग ने भी यहाँ पर बटन दे दिया है ताकि आपकी डिक्की खुल जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर चाबी दी गई है, चाबी से आप खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट आपका मीडियम हेलमेट यहाँ पे आ जाएगा, एंड पेट्रोल का यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी सीट ठीक ठाक है, बहुत ही स्पोर्टी बनाई है सीट को, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये लॉक नहीं हो रही है अब हुई। और सीट की अगर बात करूँ, कंफर्टेबल भी अच्छी है, स्लीक है। बाकी बैठते हैं, देखते हैं बैठ के कैसा होता है। तो कुछ स्टैंड इस तरीके का आता है इसमें। बाकी अगर मैं बात करूँ अपने पैर की, तो मेरी जो हाइट है वो 5'8" है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा पैर यहाँ पे पहुँच रहा है पूरा, और मेरी जो हाइट है 5'8" है। तो लड़कियों के लिए ये ठीक है, अगर 5'6" या 5'5" होंगे आपके पैर ऐसे आने वाले। अगर मैं सही से पीछे बैठूँ तो मेरा पैर कुछ इस तरीके से आएंगे। अगर कोई लड़की है कम हाइट वाली, उसके भी पैर बहुत अच्छे से आ जाने वाले हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हाइट ज़्यादा नहीं है, हल्की है। एंड सबसे अच्छी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे आपको मिल जाती है, इसमें एक फीचर दिया हुआ है, अगर आप टिल्ट करते हैं तो आपकी साइड लाइट भी जल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। विजिबिलिटी अच्छी कर देगा रात में, एंड साइड की लाइट जो मिस करते हैं जब आप मोड़ते हैं, तो वो भी आपको बहुत ही अच्छे से एंगल प्रोवाइड करेगी ताकि आप सेफली टर्न कर सकें। कुछ लुक इस तरीके का है। प्रोजेक्टर यहाँ पर लाइट आपको मिलती है, 2 LED DRL मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है LED का टेल लैंप जो कि आप देख रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया है। साउंड मैं आपको सुनाऊंगा। इसकी टॉप स्पीड की मैंने एक क्लिप लगाई थी, वो भी आपने देख ली होगी। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी पंच कैसा है वो भी देखते हैं चल करके। मुझे पंच तो अच्छा लग रहा है यार, स्कूटी के हिसाब से अच्छा है। इसका जो वेट है ना वो भी बढ़िया है, मैनोवरिंग के लिए भी बढ़िया है। बाकी चलाते हैं और दिखाते हैं कि आपको स्कूटर चलने में कैसी है। लाइट वेट है, एक लड़की के लिए मतलब फीमेल के लिए ये स्कूटर बहुत ही अच्छी है चलने में। तो मेरे हिसाब से तो सही है एक लड़की को चलाने के लिए ये स्कूटर। बाकी अगर टायर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100 सेक्शन टायर देखने को मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ में कुछ डुकाटी का फील मिल रहा है, सिंगल स्विंग आर्म है। एंड अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूँ, ये 90 सेक्शन के हैं। इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, जो कि अगेन बहुत ही प्रीमियम चीज़ यूज़ की गई है। बाइबर के ब्रेक यहाँ पे कैलिपर यूज़ किए गए हैं, जो कि आपकी ब्रेकिंग को बहुत अच्छा बनाएंगे। i3s टेक्नोलॉजी की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है। चलिए चलाते हैं और देखते हैं कैसी है। तो चलिए चलाते हैं, अब दिखाते हैं आपको चलने में कैसी है। कितनी भाग पाएगी ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोड जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं दी हुई है, लिमिटेड दी हुई है। चलिए चलाते हैं, देखते हैं। पंच अच्छा है, अच्छा पंच देखने को मिल रहा है, ब्रेकिंग भी अच्छी लग रही है। फाइबर के यहाँ पे ब्रेक यूज़ किए गए हैं, तो भाई मिलना तो हाई प्रीमियम। बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, फ्यूल गेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओडोमीटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। बाकी भागने में बढ़िया भाग रही है, ब्रेकिंग भी बढ़िया है भाई, और भाग भी ठीक रही है। एक स्कूटी के हिसाब से बढ़िया भाग रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि अच्छी नहीं होगी, स्कूटर बढ़िया है भाई। तो बहुत ही, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, स्कूटर बढ़िया है चलने में। प्राइस के हिसाब से अगर मैं प्राइस की बात करूं, ये बाइक में 3 वेरिएंट आते हैं, LX, VX, ZX। LX का जो प्राइस है वो 68,599 है, और जो टॉप मॉडल है ZX उसका जो प्राइस है वो है 76,999। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि डिस्क ब्रेक और बैजिंग वगैरह जो है उसमें थोड़ी सी मतलब लो कर दी गई है। डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, ड्रम ब्रेक मिलेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। देखते हैं एक बार ब्रेकिंग लगा करके, ब्रेक बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से हम भगाएंगे। अगर मैनोवरिंग की बात करें तो मैनोवरिंग भी बढ़िया है, थोड़ी सी लाइट लग रही है गाड़ी, क्योंकि लाइट है एक्चुअली में। चलिए भाग देखते हैं, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर मिलता है तो भाग नहीं पाएगी उतनी। ब्रेकिंग इट्स वेरी गुड, मतलब एक स्कूटी को देखते हुए ब्रेकिंग बहुत अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अगर स्विचेस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको बिल्ड मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है यहाँ पे स्विचेस की।
बाकी 65 की स्पीड में मैंने अभी भगा दी है इसको। अभी हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा गाड़ी रोक करके आपको इसका लुक दिखा देंगे पूरा, फिर हम भगाने की कोशिश करेंगे। बाकी स्टैंड लगाते ही गाड़ी जो है ना इंजन कट ऑफ कर देती है। ये जो आप बैजिंग देख रहे हो ना लो मॉडल में आपको नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा 3D एम्बलम की टाइप की है लोगो, एंड ये जो लाइट है आपको येलो देखने को मिलेगी लो मॉडल में। साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो आती है 68,599 की उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी। बाकी डिस्क ब्रेक भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे उसमें, बाकी एज यूजुअल सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। बस ये 3-4 चीज़ें जो आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं यही कहूँगा कि ZX लेना ही फायदेमंद है। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ तो कंपटीशन तो बहुत सारे हैं, बाकी भगाते हैं। पंच इज़ गुड, पंच अच्छा है, गाड़ी यार भाग तो बढ़िया रही है। मैं तो यही कहूँगा यार प्राइस को देखते हुए, गाड़ी को देखते हुए ये स्पीड अच्छी ले रही है। एंड टॉप स्पीड की टेस्ट की गई थी खड़े खड़े में तो 101 की स्पीड या 99 की स्पीड ये अचीव कर रही थी। बाकी अभी हम चलाते हैं यहाँ से, देखते हैं कि भागती कितनी है। गाड़ियाँ आ गई यार, थोड़ा गाड़ियाँ हट जाएँ फिर हम इसकी टॉप स्पीड को अचीव करने की कोशिश करेंगे। टाइमिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा भाई, यार जगह नहीं मिल रही यहाँ पर टॉप स्पीड ले पा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदाजे में ये 71 से 75 तक ही भागेगी, उससे ज़्यादा ये भाग नहीं पाएगी, उससे ज़्यादा ये अचीव नहीं कर पाएगी, मुझे तो यही लगता है। बाकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी मिल रही है मेरे को, पंच अच्छा है गाड़ी का। देख सकते हैं भाई गाड़ी बहुत ही बढ़िया चली है। एंड ब्रेकिंग यार मैं यही कहूँगा यार, अगर 5 में से रेटिंग मैं देना चाहूँगा तो मैं 4 ही दूंगा, ज़्यादा भी पंच नहीं मिल रहा। बस आगे की ब्रेक की वजह से थोड़ा सा इसका अच्छा ब्रेकिंग हो जा रहा है, क्योंकि बाइबर के डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी गाड़ी तो देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्राइसिंग के बारे में बता चुका हूँ। पावर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 8.05 की BHP आपको पावर मिलेगी एंड 8.70 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि सफिशिएंट है एक 110 cc स्कूटर के लिए। बस इतना ही कहूँगा यार, स्कूटर बहुत ही बढ़िया बनाई है, अगर आपको पसंद आती तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए। बाकी कंपार्टमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, आप बॉटल और कुछ भी थोड़े बहुत सामान यहाँ रख सकते हैं। चलिए बाय बाय।